क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान, कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल, क्या काम करते हो? वर्कर हूँ फैक्ट्री में। कितना कमा लेते हो? 25,000। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे आवाज़ कम आ रही है। 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार। कितने बहन भाई हो? 6। सबसे बड़े हो? जी। वालिद कहाँ है? वालिद डेथ हो गई। जिसको मारा उससे क्या रिश्ता था? मामू लगता था, सगा नहीं था। सगा मामू नहीं था, रिश्ते में मामू लगता था। वालिद की डेथ को कितनी देर हुई है? 2-2.5 साल हो गए। क्या हुआ था वालिद को? बीमार हो गए। क्या हुआ था? कैंसर। कैंसर था? किस चीज़ का? गले। आखिरी वक्त वालिद के साथ गुजारा? जी। उन्होंने कोई नसीहत की? नसीहत तो करते हैं। वालिद ने क्या नसीहत की थी? यही कि ख्याल रखना घर वालों का अपना और अच्छी तरह अपनी लाइफ गुजारना। और क्या नसीहत की? वालदा के मुतालिक कोई नसीहत की थी उन्होंने कि उनका ख्याल रखना या कुछ? बिल्कुल। बहनें कितनी हैं? 4। कितनी कितनी उम्र है उनकी? छोटी हैं बस। सब छोटी हैं। अंदाजन उम्र कितनी है? एक ही होगी 16-17 साल। बड़ी जो है सबसे बड़ी? हाँ जी। अच्छा, बाकी होगी 10 साल है, 8 साल और 7 साल। अच्छा, वालदा जो हैं वो वालिद और वालदा आपस में रिश्तेदार थे? जी। जब शादी से पहले भी? जी। ठीक है। अच्छा, ये जो कत्ल किया जी, ये तुमने किस बुनियाद पर किया? गैरत की बुनियाद पर। ऑनर किलिंग में? जी। अच्छा, जिसको मारा वो ना तुम्हारी बहन ना तुम्हारा कोई और ऐसा रिश्ता जिससे तुम्हें गैरत जागे, तो क्यों जागी गैरत? उसकी वजह से मेरी वालदा बदनाम हो रही। लोग कह दिए आपकी वालदा साथ ठीक नहीं है, वो हमारे घर आता जाता था। आपने कभी मना किया उसे? जी बिल्कुल। वालदा को किया? जी। वालदा क्या कहती थी? वालदा कहती मेरा बेटा ठीक है, नहीं आएगा। फिर वो फिर भी नहीं बाज आया। उसको आराम से मना किया कि आप हमारे घर ना आया करो? जी। ऐसे ही है ऐसे। वो फिर भी आ जाता था? जी। आपने अपनी वालदा को बैठ के समझाया? वो कहती मेरा बेटा लोगों का बातें करते हैं। तो फिर आप समझ जाते ये बात हो सकता है बेटा हो? समझा था मैं भी उस वक्त, नहीं कुछ कहा। बात आस्ता आस्ता यहाँ तक पहुँच गई। वालदा उस वक्त तो मानी नहीं आपकी बात कि बेटा है मेरा। आज वालदा मिलने आई है? आई थी। थाने? जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपने ठीक नहीं किया। तो आपने उन्हें क्या कहा? मैंने कहा हो गया जो होना था। बस उसके बाद आती हैं वालदा और? मैंने मना किया। क्यों मना किया? नहीं हमें गवारा करता। क्या? मेरी वालदी थाने में आए। कातिल बनना गवारा करता? करता है। ना दीन कहता है ना दुनिया कहती है। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इज्जत किसने सिखाई है सबसे पहले? दीन। दीन कहता है कि कत्ल करो? सवाल है ना मेरा, हम एक तरफ शरीयत मानते हैं, शरीयत की नहीं मानते। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है कि नहीं? हक के लिए कत्ल तो नहीं कहा किसी को, काजी के पास जाने के लिए कहा। गए थाने, आए, FIR करवाई कि ये शख्स हमारे घर आता है, हमारी वालदा को ट्रैप किया हुआ इसने। ये चीज़ जो दीन हमें सिखाना चाहता है, अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं सीखते। हम वो करते हैं जो हमें दुनिया सिखाती है, और दुनिया हमें वो सिखाती है, डैश में आके हम गलत फैसले करते हैं। कैसे किया, क्यों किया? 20 साल का महज ये लड़का है, अभी परवान चढ़ा है, जेहन में बहुत सारे एम थे, एम्बिशियस था, कुछ बनना था। बाप के बाद घर का वाहिद कफील भी होगा, बहनों की शादियां भी करनी होंगी। आखिर हथकड़ियों में क्यों जकड़ा गया, इसी के मुझसे जानते हैं। हाँ भाई, दीन हमें क्या सिखाता है हम वो नहीं समझते। ऐसे ही है, समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं। अच्छा, ये हाथ पे क्या हुआ, जल गए हाथ? जी। क्या हुआ था? नाम लिखवाया था अपना। किसका? अपना। तो फिर मिटा क्यों दिया? गुनाह था। ये जब लिखवाया था तब नहीं पता था गुनाह होता है? नहीं पता था। पता कब चला? बाद में। कितना अरसा बाद? ये कोई 1-2 माह बाद। किसने बताया? मेरे कज़न। क्या बताया? उसने कहा ये गुनाह है। गुनाह है जी। तो तुमने इसको मिटा दिया जाके? जी। काफ़ी दीन के पाबंद हो हैं? मिटा दी। दीन के काफ़ी पाबंद लगते हो जी। तो दीन हमें क्या इजाज़त देता है, वो कभी पूरा नहीं पढ़ा? जितना पढ़ा उतना पता है। जितना पढ़ा नहीं, जितना हम समझना चाहते हैं हम उतना ही समझते हैं। दीन कहता है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जी। ये दीन कहता है। दीन कहता है कि अगर किसी से कोई तकलीफ है तो उसका हल निकालो जी। अगर वो शख्स तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो फैसला काजी के पास ले जाओ। अच्छा, ऐसे ही है ना जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग फैसले लेके आया करते थे ना आपके पास? आया करते। पंचायत लगा करती थी ना? लगा करते। वहाँ पे काजी के तौर पे आप फैसला किया करते थे ना जी। लोगों के मसाइल हल किया करते थे, यहाँ तक कि मियाँ बीवी का संगीन नौयत का मसला भी आ जाता था। खुल्फा राशिदीन के दौर में भी ऐसा ही होता था,
खलीफा अव्वल, दोइम, सोइम, चहारम, सबके पास लोग अपने मसाइल लेके आया करते थे। यहाँ तक कि ऐसे मसाइल भी होते थे कि बीवियाँ अपने शौहरों के साथ रहना नहीं चाहती थी। जी तो क्या किसी ने अपनी बीवी को उस तरह से कत्ल किया? नहीं। तुमने क्यों किया? बस मुझे तैश आ गया। मानते हो कि गुस्सा हराम है? हराम है बिल्कुल। दीन में हराम चीज़ की ममानत है जी। तो फिर ये दीन के मुताबिक नहीं किया, इसे गैरत का नाम मत दो। गैरत का नाम? तो उसके घर वालों के पास गया था, नहीं माना। क्या हुआ, क्या था? वो मेरी बहन पे नजर रखता बड़ी वाली पे। हाँ। आपने वालदा को ये बात बताई? जी। फिर उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जब उसने मैंने उसे कॉल पर कहा, फोन पर, तो उसने कहा मैं तो ले जाऊंगा या निकाह कर लूंगा। किसके बारे में कहा? बहन के बारे में। हमारी सिस्टर के बारे में जी। अच्छा, हमारी वालदा पास थी? नहीं। वालदा ने कॉल नहीं सुनी? नहीं। तुमने अपनी माँ को बताया आके कि मैंने ये बात की और उसने इतना बड़ा लफ्ज़ बोला है? मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैंने किसी बताया, मैंने पिस्टल पकड़ा जाकर मार दिया। पिस्टल कहाँ से लिया था? घर से। किसका पिस्टल था वो? वालद का। तुम्हारे पास लाइसेंस था? नहीं। अगर वो तुम्हारी सिस्टर का हाथ मांग रहा था तो शादी के लिए तुम लोगों ने इजाज़त क्यों नहीं दी? क्या और रिश्ता मांगो प्रॉपर तरीके से? रिश्ता बनता नहीं, कैसे इजाज़त है? क्यों, उसकी उम्र ज़्यादा थी? नहीं। हाँ, सगा मामू ना तो नहीं था वो ना? हमारी बरादरी में से था। बरादरी जात पात दीन में नहीं है? नहीं है। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाकी ना वो रिश्ते मांगता था तो ना कोई ऐसी बात ना हमने देना था। रिश्ता बनता ही नहीं, पहली बात तो ये है। महरम तो नहीं था वो? महरम क्या सर, तुम्हें महरम का ही नहीं पता भाई? किस दीन की बात करते हो, फिर किस दुनिया की बात करते हो? महरम वो रिश्ते होते हैं जिनसे निकाह नहीं किया जाता। समझ नहीं। जिसमें सगा बाप है, जिसमें सगा भाई है, जिसमें चचा है, मामू है, वो सगा मामू तो नहीं था ना? नहीं। तो महरम नहीं था ना, वो गैर महरम था, बन जाता रिश्ता? नहीं अम्मा। नहीं। इनकार कर देते और इतनी बड़ी बात पे तुम्हारी वालदा, मेरा ख्याल है उसका मना कर देती घर से आना। माँ को औलाद के ऊपर तो कोई नहीं है ना? औलाद के ऊपर तो कोई नहीं है माँ को? नहीं है ना। आज तुम्हारी बहनें क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कातिल की बहनें हैं? सोचा है कभी उनके रिश्ते अच्छे घरों में होंगे? हो जाएंगे कातिल के बाद हैं? तो कातिल भी इंसान ही होता है, वो कौन जानवर होता है? नहीं नहीं, कातिल जानवर से भी बदतर होता है। जिसको इंसानियत की तमीज़ नहीं है वो जानवर से भी बदतर है। आजकल कहाँ? तो फिर जब आज कल पे आके तुम हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो तो इस चीज़ को भी समझो। तुम्हारे वाले सब दुनिया में नहीं थे, तुम्हारी वालदा अगर निकाह करना चाहती थी उनका हक था, समझ जाओ फिर इस बात को। अगर ये नहीं समझना या बहन मेरी बात ये की है, मुझे तैश आ गया था, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने मान। कोई अफसोस है इस बात पे? मुझे कोई अफसोस नहीं, अपने किए पे कोई अफसोस नहीं, नहीं। इंसान और मुसलमान की सबसे पहली निशानी है कि अगर उससे गलती या गुनाह सरजद हो जाए तो वो अल्लाह से माफ़ी मांग कर उस पर अफसोस का इजहार करे। जी बिल्कुल। तो तुम्हें तो अफसोस भी नहीं है, माफ़ी के तलबगार नहीं हो? तलबगार है माफ़ी के। तुम मुझे कह रहे हो मुझे अफसोस नहीं है? आपने ये कहा, आपने कत्ल की? मैंने पूछा अफसोस है तो अफसोस तो है।